पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान इन दिनों अपने ही देश में चौतरफा घिरे हुए हैं। इन मुद्दों में महंगाई, गिरती अर्थव्यवस्था, देश पर बढ़ता कर्ज, सेना के साथ टकराव और टीएलपी से बैन हटाकर चरमपंथियों के सामने सरेंडर करना तक शामिल है, जिसके चलते कराची में लोग इमरान खान के खिलाफ सड़कों पर उतरे। पाकिस्तानी नागरिकों ने इमरान खान के खिलाफ नारेबाजी की और पुतले फूके। महंगाई से परेशान लोगों ने सरकार के प्रति अपना गुस्सा जाहिर किया। इमरान खान के लिए हवा का रुख उस वक्त बदलना शुरू हुआ जब वो लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम को आईएसआई के नए प्रमुख के रूप में नहीं देखना चाहते थे। इसे लेकर उनकी सैन्य प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा के साथ बिल्कुल बात नहीं बन पा रही थी। इमरान खान नहीं चाहते थे कि उनके करीबी फैज हमीद को इस पद से हटाया जाए। प्रधानमंत्री ने अंजुम की नियुक्ति को मंजूरी देने में कई दिनों का वक्त लगा दिया। हालांकि इमरान खान के इनकार करने के बावजूद आज नदीम अंजुम ही आईएसआई के प्रमुख हैं। पाकिस्तान के लोगों में गुस्सा टीएलपी से निपटने के सरकार के रवैये पर भी है। इस इस्लामी चरमपंथी संगठन के सदस्यों ने पाकिस्तान में बीते कुछ महीनों से काफी ज्यादा बवाल काटा हुआ है। पिछले महीने विरोध प्रदर्शन और तेज हो गए। इन लोगों ने टीएलपी प्रमुख साद रिज़वी की रिहाई, फ्रांस के राजदूत को निष्कासित करने और फ्रांस के सामान पर बैन लगाने सहित कई मांगे सरकार के सामने रखी थी। सरकार की बातचीत की सारी कोशिशें विफल हो गईं और आखिरकार इमरान खान ने चरमपंथियों के सामने घुटने टेक दिए। इमरान खान की सरकार ने टीएलपी के साथ एक समझौता किया ताकि देश में दंगों को रोका जा सके। इसके तहत टीएलपी को प्रतिबंधित संगठनों की सूची से बाहर किया गया। समझौतों की शर्तों के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई, लेकिन आम जनता उस वक्त हैरान रह गई जब टीएलपी के बड़ी तादाद में गिरफ्तार हुए सदस्यों को सरकार ने रिहा करना शुरू किया। वो भी तब जब इन लोगों ने हमले कर कई पुलिसकर्मियों की जान ली और सार्वजनिक संपत्तियों को अच्छा खासा नुकसान पहुंचाया। टीएलपी के करीब 2000 सदस्यों को जेल से रिहा किया गया। इन सभी दिक्कतों के अलावा पाकिस्तान में चीनी, पेट्रोल और बिजली के दाम आसमान छू रहे हैं, जिसके बाद इमरान खान ने पाकिस्तान के अब तक के सबसे बड़े सब्सिडी पैकेज के तौर पर 120 अरब रुपए की सब्सिडी की घोषणा की, लेकिन लोग इससे भी खुश नहीं हुए। उनका कहना है कि इमरान खान का नया पाकिस्तान रहने के लिए बहुत महंगा हो गया है। ये वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देश और दुनिया की खबरों के लिए सब्सक्राइब करें TV9 डिजिटल। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, दो गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा पूरी। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।